कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूं आलू के सीख कबाब। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ें आपको नज़र ही आ रही होंगी कि मैंने क्या क्या ली हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 1/2 kg ये आलू हैं मेरे पास। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अभी जो है मैंने इसको निकाल के सिंपली इसको मैंने कद्दूकस जो होता है उससे ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद गाजर, और ये बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन इसको मैंने ग्रेट किया तो ये ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये एक नॉर्मल साइज़ की गाजर थी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है टिक्का मसाला। आपके पास कोई सा भी टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला हो तो ये 1 teaspoon ले लिया है मैंने। चावल का आटा मैंने ले लिया है 3 tablespoon। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, बिल्कुल छोटी सी, और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। लेकिन अभी इसके वो मैंने इसके अंदर जो पानी है उसको नहीं निकाला है, लेकिन मैं इसको निचोड़ के पानी इसका डिस्कार्ड कर दूँगी। एक ली है मैंने हरी मिर्च, और थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पर हरा धनिया। थोड़े से मसाले जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने ले ली है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon, और 1/4 teaspoon के बराबर मैंने इसमें हल्दी ले ली है। 1/2 teaspoon मैंने ली है लाल मिर्चें पिसी हुई जो होती हैं। 1/2 teaspoon मैंने इसके अंदर लिया है ये चिकन पाउडर, और ये मैंने लिया है 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर। 1/2 teaspoon मैंने लिया है चाट मसाला। हसबे ज़रूरत लिया है मैंने इसमें नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर लिया है गरम मसाला। तो इन चीज़ों से बनाएंगे। और इसके अंदर मैं थोड़े से डालूंगी ब्रेड क्रम भी, तकरीबन 2 tablespoon के बराबर। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं और बताती हूँ मैं इसको क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था। तो इसके अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले ये सारे आलू, और अगर आप इसको ग्रेट ना करना चाहें तो आप इसको किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं किसी ग्लास की मदद से, लेकिन इसको अच्छे से हमने ग्रेट करना है ताकि इसके अंदर कोई मोटा सा पीस ना हो आलू का। और इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। फ्रिज में रखने से जो है वो इसके अंदर से जो स्टार्च वगैरह निकलता है वो अच्छे से जो है वो इसी के अंदर लॉक हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो सौगी नहीं होते। तो इस तरीके से ये ले लिया है मैंने। इसके अंदर मैं डालूंगी ये गाजर। अगर आप कुछ और भी डालना चाहें वेजिटेबल वगैरह तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल गाजर ही थी तो मैंने इसके अंदर गाजर डाली हुई है। इसके अंदर मैं डालूंगी ये हरा धनिया। और ये जो मैंने प्याज ली थी इसको देखें, इसके अंदर से कितना सारा पानी निकला है। तो इस पानी को हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। और जो हरी मिर्च है उसको भी मैं काट के डाल दूंगी इसके अंदर। तो ये हरी मिर्च भी मैंने काट ली है, बिल्कुल बारीक बारीक करके काटी है, तो वो भी डाल देंगे इसमें। तो हरी मिर्च भी इसमें मैंने डाल दी है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये सारे मसाले। मसाले आप थोड़े से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका स्पाइस लेवल अपने हिसाब से। वैसे ये आलू के बना रहे हैं तो ये चटपटे ही अच्छे लगेंगे, इसीलिए मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी डाला है। ये डालूंगी मैं इसके अंदर तंदूरी मसाला, इसको मैं करूँगी मिक्स, हाथ से करूँगी। वैसे तो मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ सिर्फ फ़िलहाल। और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 tablespoon के बराबर ब्रेड क्रम्ब, ये मेरे होममेड हैं। और अगर ज़रूरत लगी तो मैं इसमें आगे भी डाल सकती हूँ, और मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये 3 tablespoon चावल का आटा। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसको मैं मिक्स करूँगी हाथ से। फ्रिज में रखने से आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सेट है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी सबको। तो ये देखें अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर कुछ भी अब डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेट है। तो इसके अब मैं बनाऊँगी गोला कबाब। तो एक सीख कबाब मैंने बना के देख लिया है कि ये टूट तो नहीं रहा, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। तो अब मैं बनाती हूँ इसके सीख कबाब। और मैंने हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा लिया है, सेकंड पे लगाया है, पहले वाले पे तो मैंने नहीं लगाया था, बगैर ऑयल के ही वो बन गया है। और अगर आप चाहें तो किसी स्क्वायर वगैरह के अंदर डाल के इसको इजीली पहले शेप दे लें,
और फिर हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। और जब ये सारे बन जाएंगे तो मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। इस तरीके से हम इसको निशान लगा लेंगे और ये देखिए इजीली ये निकल गई है इसमें से। तो बाकी के भी मैं इसी तरीके से सारे बना लूंगी। तो ये देखें ज़बरदस्त से ये तैयार हो गए हैं बनके। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में तकरीबन 1.5 से 1 घंटे के लिए ताकि ये थोड़े से और सेट हो जाए। मैं ये बिल्कुल सेट है माशाल्लाह। तो इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में और मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, शैलो फ्राई करेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2-2 करके मैं इसको फ्राई करूँगी क्योंकि हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही सॉफ्ट से हैं। तो मैं 2-2 करके डालती हूँ और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे इसको, मीडियम टू लो पे है ये। तो ये मैंने इसके अंदर 3 डाल दिए हैं, ये डालते में ही मेरे हाथ से ही टूट गया, वैसे तो ये बिल्कुल सही है। ये देखें बस इसको बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करेंगे कलर आने तक। ये देखिए कितना प्यारा इस पर कलर आया और कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। तो ये जो मेरे हाथ से टूट गया था वो भी पूरी तरीके से नहीं टूटा था, बच गया वो भी। और अगर टूट जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, टूट भी सकता है खाना बनाने में, तो ये सब होता ही है। तो ये देखें कितने सारे जो हैं वो कबाब बन के तैयार हो गए, सीख कबाब हमारे, और सिर्फ 1/2 किलो से। तो इसके अंदर अब मैं ये सारे मैंने कर लिए फ्राई, तो अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी कोयले का धुआं। तो यहाँ पे मैं रखूंगी ये थोड़ा सा फॉइल और इसके अंदर मैं लगाऊंगी ये कोयला और थोड़ा सा इसके ऊपर और इसको कवर कर दूंगी ताकि अच्छे से इसके अंदर स्मोक आ जाए। ज़बरदस्त से जो है सीख कबाब आलू के तैयार हो गए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं, मैंने ट्राई भी कर लिया है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी। और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।